एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला सीएमएम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने 12 आरोपियों को जमानत दी। सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, इसके अलावा सुभाष, अजय, जयराम, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और अभिषेक को जमानत मिली है। धारा 41A की पालना नहीं के आधार पर आपको बता दें कि ये जमानत दी गई है और पुलिस रिमांड पूरा होने पर एसओजी ने आज पेश किया था। अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी पूर्व धारा 41A के तहत नोटिस नहीं देने पर बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को गलत बताया था। तो ये बड़ी खबर है एसआई भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़े हुए, जहां पर सीएमएम कोर्ट ने 12 आरोपियों को जमानत दी है। ये 12 आरोपी बताया जा रहा है कि धारा 41A की पालना नहीं के आधार पर जमानत दी गई है। पुलिस रिमांड पूरा होने पर एसओजी ने आज इन्हें कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन गिरफ्तारी के पहले धारा 41A यानी कि 41A के तहत नोटिस नहीं देने पर बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को फिर गलत बताया और उसके बाद 12 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश पारिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। महेश, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले बताया जा रहा है 12 आरोपियों को जमानत दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। देखिए, आज पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद आरोपियों को एसओजी ने पेश किया था कोर्ट में और उनको जो है जेल भेज दिया था। उसके बाद जो बचाव पक्ष उनकी ओर से एक प्रार्थना पत्र पेंडिंग था, जिसमें कहा गया था कि जो सीआरपीसी की धारा 41A है उसके तहत ये गिरफ्तारियां गलत है, क्योंकि जो 7 साल तक की जिनमें सजा का प्रावधान रहता है उन मामलों में 41A का नोटिस देना जरूरी है गिरफ्तारी से पूर्व, और इन आरोपियों को जो है ये नोटिस नहीं जारी किया गया था। इस पर कोर्ट ने माना कि ये जो गिरफ्तारियां हैं कहीं ना कहीं गलत है और जो डिफॉल्ट इनको जमान पे रिहा करने का आदेश हुआ है। जी महेश, आपसे जानना चाहेंगे 41A ये जो धारा है ये क्या कहती है और आखिर एसओजी की तरफ से कैसे ये चूक हो गई या क्यों ये जो धारा है वो नहीं लगाई गई या उसके तहत नोटिस नहीं दिया गया। देखिए, जो सीआरपीसी की धारा है, जो दंड प्रक्रिया संहिता है जिसके तहत जो कानून किस तरह से काम करेगा उसमें सीआरपीसी में उसका पूरा प्रोविजन दे रखा है। इसी की धारा 41A है जिसमें प्रोविजन है कि जिन अपराधों में 7 साल तक की सजा है उनमें पुलिस जो है आरोपी को सीधा गिरफ्तार नहीं करेगी, पहले उन्हें इस धारा के तहत नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद यदि आवश्यकता होगी तो जो संबंधित जांच अनुसंधान अधिकारी है वो उन्हें गिरफ्तारी के कारण बताएगा और उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार करेगा। इस मामले में उनको ट्रेनिंग सेंटर से बुलाया गया और बिना किसी गिरफ्तारी बिना किसी नोटिस के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों का यह भी कहना है कि उन्हें जो है 24 घंटे से ज्यादा अवधि तक जो है हिरासत में रखा और उसके बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था। दो मुख्यतः आरोप लगाए गए थे। पूर्व में भी जो है जब अन्य इन मामले में गिरफ्तारी हुई थी तब भी जो है समान आरोप लगाए गए थे कि धारा 41 की पालन नहीं हुई और जो पुलिस जो हिरासत में ले रही है वो काफी समय से पहले ले लेती है, उसको गिरफ्तारी शो नहीं करती और 24 घंटे बीतने के बाद जो है वो कोर्ट में पेश कर दिया। तो जो आरोपी पक्ष की मान तो कहीं ना कहीं एसओजी जो है पूरी मनमानी कर रही है इस मामले में और जो कानून के प्रावधान है उनकी पालन नहीं करके बड़ी सारी कार्रवाई कर रही है। जी महेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो 12 आरोपी जिन्हें जमानत मिली है ये आरोपी वही है जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था या फिर पहले भी जिनकी पेशी हो चुकी है या जेल जा चुके हैं उन्हें भी इनमें जमानत मिली है? देखिए, जिनकी आज रिमांड अवधि पूरी हुई थी उनको जो है आज पेश किया गया था, जिनमें सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराम, मनीष, मंजू, चेतन, हरकुर, अभिषेक शामिल थे। इनकी आज जो है पुलिस रिमांड अवधि पूरी हुई थी और इन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था। शुरुआत में इनको जो है जेल भेजने के आदेश हो गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया था आरोपियों की ओर से इसको डील करते हुए इन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आरोपी पुलिस अभिरक्षा में होता है उस टाइम जो जमान तर्जी होती है उसको डील नहीं किया जाता, जेल जाने के बाद ही जो है जमान तर्जी डील की जाती है कोर्ट की ओर से। महेश, अब एसओजी की तरफ से क्या कोई बयान सामने आ पाया है ये धारा 41A 41A जिसकी पालना नहीं हुई है इसको लेकर? देखिए, अब तो केवल जो है एसओजी के पास एक ही चारा मौजूद है कि वो उसकी अपर कोर्ट में इस बेल कैंसिलेशन के लिए जाए, बाकी ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें वो बाध्यकारी है।
आरोपी जो है वो न्यायिक अभिरक्षा में है, अब उनके बेल बॉन्ड पेश की जाएंगे और जो है कोर्ट से उनकी रिहाई, जेल से उनकी रिहाई की जाएगी। जी, इसके अलावा महेश आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सीएमएम कोर्ट ने जिन्होंने 12 आरोपियों को जमानत दी है, क्या कोर्ट की तरफ से कोई और आदेश एसओजी को दिया गया, या फिर ये जो चूक एक रह गई उसके लिए भी अगर कुछ बयान दिया गया हो या कुछ कहा गया हो कोर्ट की तरफ से? देखिए, पूर्व में भी जब शुरुआती दौर में जब पहले फेज में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, तब भी ये बिंदु उठा था बचाव पक्ष की ओर से। ये कोर्ट में जो है कहा गया था कि उन्हें तय समय पर जो है 24 घंटे में पेश नहीं किया जा रहा, ना 41A की पालना की जा रही है। उस समय कोर्ट ने DGP को निर्देश दिए थे कि वह जो है मामले में देखे कि क्यों पालना नहीं की जा रही है आखिर, और जो है रिपोर्ट तलब की थी, वो रिपोर्ट अभी कोर्ट में पेश नहीं की DGP ने। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि DGP के संज्ञान में कोर्ट ने मामला पहुंचा दिया था कि किस तरह से एसओजी की ओर से लापरवाही की जा रही है। महेश, अब जब कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जांच की जाए इस पूरे मामले पे, तो ये जो जांच है वो क्या एसओजी के ही अधिकारी करेंगे या फिर अलग से कोई टीम होगी? देखिए, तो DGP के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से जांच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के मामलों में ये कह चुका है कि इस तरह की जो गिरफ्तारियां हैं वो गलत हैं और जो संबंधित अनुसंधान अधिकारी होता है उसको उस पर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर DGP जाए तो एक गंभीर जो है रुख अपना सकते हैं जांच अधिकारी के खिलाफ। महेश, अभी 12 आरोपियों को जमानत मिली है, लेकिन पहले जो और आरोपी पकड़े गए थे उनको लेकर क्या उनकी गिरफ्तारी में भी 41A की पालना हुई है या नहीं हुई है? क्या उनकी तरफ से भी जमानत को लेकर याचिका दायर की जा सकती है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, उस टाइम भी वो ये बिंदु उठा था, लेकिन कोर्ट ने जो है उसको डील नहीं किया था, उसको उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा भेज दिया था। तो अब जो अपीलीय कोर्ट है वहाँ ये समारोह बनती है कि आरोपी वहाँ इस पक्ष को, इस बिंदु को उठाए और वहाँ से कोई ना कोई इस जो आदेश हुआ, आज जो आदेश हुआ है इसके आधार पे वहाँ से कोई रिलीफ मिल सकती है। लेकिन महेश, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एसओजी की तरफ से क्या कुछ कहा गया हो अब तक, या किसी तरीके का बयान इसको लेकर सामने आया कि आखिर क्यों पालना नहीं की गई एसओजी की तरफ से? देखिए, एसओजी की ओर से कोर्ट में बताया गया था कि उन्हें शुरुआत में जो है केवल पूछताछ के लिए बुलाया लिया गया था और फिर उन्हें जो है बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा कुछ संतुष्टिजनक जो है एसओजी की ओर से कोर्ट में जवाब नहीं दिया गया, इस पे कहीं ना कहीं जो है कोर्ट ने इनको आज रिलीफ दिया। जी, तो महेश, कितने अधिकारी एसओजी के ऐसे होंगे जिनके खिलाफ अभी ये जांच होगी इस चूक को लेकर या इस लापरवाही को लेकर? देखिए, मूलतः तो जो अनुसंधान अधिकारी है वही कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया मामले में दोषी है, क्योंकि जो अनुसंधान अधिकारी होता है वही कागजों में जो है आरोपियों को गिरफ्तार करता है और उनकी ओर उसी की ओर से नोटिस दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनुसंधान अधिकारी है वही जो है फॉल्ट में नजर आते हैं। जी, ठीक है। महेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, 12 आरोपी जिन्हें जमानत मिली है इनमें कौन कौन है, और इसके अलावा अभी कितने आरोपी और हैं जो कि जेल में है या फिर रिमांड पर है? देखिए, आज टोटल 13 आरोपियों को कोर्ट पेश किया गया था, जिसमें से एक को तो जो अभी हाल ही में गिरफ्तार हुए थे उनको तो कोर्ट ने जो है पुलिस अभिरक्षा भेज दिया। साथ ही साथ जो 12 अन्य आरोपी थे जिनको 3 तारीख को अरेस्ट किया था, सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष और 2 महिला थी मंजू, हरखू, चेतन और अभिषेक, इन 12 को जो है वो रिलीफ मिली। इससे पहले जो है करीब 1 दर्जन से अधिक, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि 31-32 आरोपी जो है वो टोटल आरोपी हैं, इनमें से ये 12 को जो आज पेश हुए उनको जमानत मिल गई है। ठीक है, लेकिन अब जिन आरोपियों को जमानत मिली है उनसे पूछताछ को लेकर एसओजी जो है आगे किस तरीके से यहाँ पर कदम उठा सकती है? देखिए, उनको तो जो है न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं वो आरोपी, उनको तो अब जो है पूछताछ नहीं हो पाएगी क्योंकि वो पूछताछ हो चुकी है उनसे, वो अभी जेल में चल रहे हैं। उनकी जमानत अर्जी भी लोअर कोर्ट से खारिज हो चुकी है, अपीलेट कोर्ट है वहां से जो है उनको जो है जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी। उनमें से एक महिला जो थी चंचल, उसको उसका बच्चा जहाँ वो 3 महीने का करीब था, इसलिए उसको बच्चे के आधार पर उसको कोर्ट में जमानत मिल चुकी है और जो शेष आरोपी है वो भी जेल में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन फिर महेश, जिस तरीके से एसओजी की तरफ से ये जो नोटिस नहीं दिया गया, तो सवाल फिर एसओजी पर भी यहाँ पर उठते हैं कि क्या जल्दबाजी में सच में ये गिरफ्तारी हुई? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है विधिक चूक तो हुई है, क्योंकि इन्हें जो ट्रेनिंग करते हुए RPS से पूछताछ बुलाया गया,
अवैध कह सकते हैं कि चूंकि अवैध हिरासत में रखा गया क्योंकि 24 घंटे में जो है कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया जी। और उसके बाद जो है सारी कार्रवाई हुई, तो कहीं ना कहीं जो एसओजी है वो बैकफुट पे तो है क्योंकि जो तय प्रोसेस है वो उसकी पाबंदी में। बिल्कुल ठीक है महेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।